में हो 72। नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी स्कैंडियम से लेके जी तक वन बाय वन हम लिखेंगे। तो पहला है हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 और 3d1। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एस और थ्रीडी को मिला के स्टार्टिंग में तो वन होगा, आफ्टर लूज करने के यहां से यहां जब मान लीजिए तीन हो जाएगा, तो 1+2 तीन हो गया। स्टार्टिंग में वन होगा और ये वाला जो पेयर वाला है इसमें जाएगा तो तीन हो जाएगा। इस तरह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, और देखो पहले इसको लूज करेगा, एक लूज करेगा, दो लूज करेगा, फिर तीन लूज करेगा। इस केस में पहले दो लूज करेगा और फिर इसको भी लूज कर देगा, तो +2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। जब इस तरह हो जाएगा +2 अगर करेगा तो ये 0 हो जाएगा और तीन जब होगा तीन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दो लूज किया और एक यहां से लूज किया, तीन, तो +2 और +3 होगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के बारे में बात करें, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम 4s2 और 3d4 3d2 अनपेयर के बारे में बात करें, दो यहाँ है और एक जंप करके यहाँ जाएगा, तो 2+2 4 हो जाएगा। तो अगर हम लूज करने के बारे में बात करें, दो यहाँ से लूज करेगा और फिर दो यहाँ से किया, फिर एक यहाँ से करेगा और फिर यहाँ से भी दोनों कर देगा, तो +2+3+4। उसके बाद है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। वैनेडियम के बारे में बात करें तो 4s1 और 3d3 हो जाएगा, 4s2 और 3d2। तो हम अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो तीन यहाँ है और ये जंप करके जाएगा, 3+2 5 हो जाएगा, तीन यहाँ है और दो एक जंप करके गए 5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 यहाँ से लॉस करेगा, +2 एक यहाँ से लॉस करेगा, +3 एक और लॉस करेगा, +4 और सब के सब लॉस कर दिया, यूज कर दिया, तो +5 यानी +2+3+4+5। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। अब है क्रोमियम। क्रोमियम का हो जाएगा 4s1 और 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, 3d5 हो जाएगा। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 5 यहाँ अनपेयर्ड है और एक यहाँ है यानी 6। तो पहले इसको लूज करेगा, +1 हो जाएगा, इसमें सब एक एक लूज करके चला जाएगा, +2+3+4+5+6 सब के सब लूज कर देंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ठीक है, इसका मैग्नीज Mn, Mn हो जाएगा 4s2 और 3d5। अगर हम देखें तो 2+5 7 अनपेयर्ड, तो यहां से लूज करना स्टार्ट करेगा, लूज करेगा तो पहले दो लूज करेगा, एक नहीं करेगा, फिर इसमें एक एक करके लूज करता चला जाएगा, +2+3+4+5+6 और सबसे सारे के सारे अगर लूज कर दिया तो +7 हो गया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताएगा अनपेयर्ड।
आयरन के बारे में सोचिए, पच्चीस छब्बीस फोर एच टू और थ्री डी सिक्स है। तो यहां पर अगर हम पानी पीरियड देखें तो फोर एच टू और थ्री डी सिक्स, बताओ कितना पीरियड होगा, चार यहां होगा पांच छह, यहाँ पर देखो चार होगा और ये जंप करके मान लो थ्री डी के बाद फोर एस के बाद फोर थ्री में चला गया, ये होता तो चार है ही नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चार यहां पर है और ये दो हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा प्लस सिक्स मैक्सिमम, तो दो यहां से यूज करेगा तो प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और लास्ट हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा। हालांकि सब स्टेबल नहीं है लेकिन प्लस सिक्स तक जाएगा, एक तक मत कर देना, सारा रूम मत कर देना, सेवन यहां सब कम होने लगेगा। FeCO निकल का 4H2 और 3D7। अगर अनपेयर्ड का बारे में बात करें तो 7 है यहाँ, तो 3 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा, 3 प्लस 3 प्लस 2 5 यानी मैक्सिमम 5 हो गए, इसका हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 निकेल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 होगा, निकेल का मैक्सिमम कोबाल्ट का एफसीओ, निकेल कोबाल्ट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 है। इसके बाद है कोबाल्ट निकेल, निकेल का जो दिखाएगा 4s2 और 3d8 है, पांच कितना अनपेयर हो जाएगा, अनपेयर अगर हम देखें तो दो यहाँ हो जाएगा, दो यहाँ पर चार, दो यहाँ से यूज करेगा प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर तक ही होता है, प्लस फोर तक ही होता है। इसके बाद है कॉपर का, कॉपर का एक सेक्शन होता है प्लस वन और थ्री डी टेन हो जाता है। अनपेयर्ड अगर बात करें तो यहाँ एक है और इसमें सारा पेयर है, जीरो वन वन हो जाएगा, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होता है प्लस टू होता है। लास्ट वन इज टेन जिंक, जिंक हो जाएगा फोर एच टू और थ्री डी टेन, इसमें ऑक्सीडेशन अनपेयर्ड जो हो जाएगा, अगर इसके के बारे में बात करें इसको जंप करवा रहा हूँ, जंप करवा इसमें तो जीरो है, इसमें अगर जंप करवा देंगे तो अनपेयर्ड टू हो जाएगा और उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा, उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होगा। देखो अगर इसमें से सब लूज करते ए बी और ए बी, स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन स्टेबल है, सब लूज कर दे तो बाकी जो ऑक्टेट बचेगा वो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पूरा भर जाएगा, 18 हो जाएगा ना, और ये तीनों लूज कर दे तो 18। यहाँ पर प्लस 3 इज मोर स्टेबल, मैं यहाँ स्टेबल है उसको ब्लू मार्क से बॉक्स बना दे रहा हूँ, यहाँ चारों लूज कर दे तो प्लस 4 इज मोर स्टेबल, और यहाँ अगर पांचों लूज कर दे तो प्लस 5 इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ज्यादा स्टेबल होता है। यहां से अगर हम बात करें तो इसका जो स्टेबिलिटी मेन होता है प्लस 3 होता है और प्लस 6 होता है। प्लस 6 तो समझ सकते हो कि सब लूज कर दिया तो इनर्ट गैस बन गया, एक और इसका स्टेबिलिटी होता है प्लस 3। तो क्रोमियम मेनली जो होता है क्रोमियम प्लस 3 में और क्रोमियम प्लस 6 में ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलता है सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम Mn के बारे में बात करें तो Mn जो है वो एक तो प्लस 7 इसका होता ही होता है,
प्लस सेवन के बाद दो यहां से अगर लूज कर दिया एमएन प्लस टू और प्लस सेवन ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस टू अगर यहां से लूज करेंगे इक्वेशन पूछा जाता है कि प्लस टू अगर ज्यादा स्टेबल क्यों है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर प्लस टू लॉस हो गया तो हाफ फील्ड बनता है, तो यहाँ पर ये दो लूज होने की वजह से ये हाफ फील्ड तैयार करता है। और हाफ फील्ड क्या होता है, डिग्री फाइव की हाफ फील्ड तैयार करता है। अब देखने से एक कॉन्ट्राडिक्ट हमारे दिमाग में आएगा सर यहाँ पर एक ही लूज करके स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है, क्रोमियम प्लस थ्री और प्लस सिक्स में होता है, इसको ध्यान में रखना। अगर आप आइगन के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस टू और प्लस थ्री होता है, प्लस टू और प्लस थ्री होता है। अगर तुम देखोगे तो तीन वाला ज्यादा स्टेबल है, आयरन प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन आयरन प्लस टू। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें क्यों, अब देखो अगर तीन लूज करेगा तो दो यहां से और एक यहां से हाफ भी तैयार कर लेगा, इसका रीजन हम दे देंगे हाफ फील्ड। तो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूँ, पूछा जाएगा कि आयरन प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो हम बोलेंगे कि दो यहां से और एक यहां से लूज करेंगे हाफ फील्ड बन जाएगा, थ्री डी फाइव बन जाएगा, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस टू इज मोर स्टेबल, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और प्लस थ्री भी होता है। अब इन केसेस में याद रखना है कोबाल्ट प्लस टू होता है, इसका हम कोई खास लॉजिक नहीं दे सकते कि हाफ फील्ड तैयार कर रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन ये प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है दोनों कोबाल्ट और निकेल का, ठीक है। उसके बाद कॉपर और जिंक, ऐसे देखने से क्या लगता है कि कॉपर को अगर एक लूज लॉ दिया जाए तो फुल फील्ड बन जाएगा, तो प्लस वन भी होता है प्लस टू भी होता है, लेकिन प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है। तुम सोचोगे एक यहां से लूज करेगा एक यहां से, थ्री डी नाइन बन जाएगा, तो नाइन बन जाए तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है पानी के अंदर जो कॉपर होता है, जब हाइड्रोलाइसिस के सॉल्यूशन के अंदर जो होता है उसके अंदर एसआरपी वैल्यू, सॉरी एसओपी वैल्यू, एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है इसका, एसओपी। और एसओपी क्या होता है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुरंत पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना ये प्लस टू ज्यादा होता है, होना चाहिए था क्या प्लस वन, क्योंकि ये ऑप्टिक 3D10 बना रहा है, लेकिन प्लस टू होता है। कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस वन ड्यू टू एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट में तो जिंक के बारे में कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो तुम्हें यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस बात को ध्यान में रखना, उस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। क्रोमियम, क्रोमियम ज्यादा स्टेबल सिक्स में होगा, थ्री में नहीं होता क्रोमियम। अब ये चीज ये मत सोचना कि जो ये स्टेबिलिटी है ना केवल हाफ फील्ड के बेसिस पे चेक किया जाता है, नहीं, एसआरपी वैल्यू एसओपी वैल्यू के बेसिस पे चेक किया जाता है। यहाँ क्रोमियम प्लस सिक्स ज्यादा स्टेबल है, तो ये केवल हाफ फील्ड के बेसिस पर होता तो कॉपर प्लस वन होना चाहिए, कॉपर प्लस टू होता है, आयरन का सही है जम रहा है हाफ फील्ड, इसके बारे में तो कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, इसमें प्लस वन जमना चाहिए था, लेकिन एसआरपी एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
आईएस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑस्मियम और रुथियम आर ब्यू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑस्मियम ओएस एंड आर ब्यू यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम आर से तो ज्यादा ऑक्सीडेशन के किसी का होता नहीं है एक जेनॉन का भी होता है आठ तो ऑस्मियम और रुथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट होता है इससे कहीं ज्यादा नहीं होता है। चलो आगे एक पॉइंट अलग लिखना दे कंपाउंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट दे कंपाउंड इन ध्यान प्लस टू सब में है कि नहीं प्लस टू सब में प्लस टू ये कॉमन मतलब सब में आ गया थ्री नहीं बोला गया थ्री इसमें नहीं प्लस टू सब में तो प्लस टू इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन आगे लिखना द कंपाउंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट The compound in lower oxidation state are generally ionic compound. The compound in lower oxidation state are generally ionic. While in higher oxidation state, while in higher oxidation state are covalent पर आगे transition element जिसका oxidation state अगर कम होगा तो वो ionic compound बनाता है और जिसका oxidation state ज्यादा है वो तो क्या बनाएगा covalent compound बनाएगा तो नीचे लिखना इसी में explanation इसका In the plus 2 and plus 3 oxidation state, the bond form are mostly ionic. In the plus 2 and plus 3 oxidation state, the bond form are mostly ionic. And in the higher oxidation state, bond formed by sharing of 3D electron. एग्जाम्पल में लिख सकते हो MnO4- देखोगे तो यहाँ पर मैग्नीज का प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट अब इस केस में Mn दो दो चार दो छह और एक सात यहाँ पर Mn जो है वो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है
MnO4। अब तुम यहां देख सकते हो कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7। अब देख सकते हो कि यहां पर -2 होगा तो यहां पर क्या होगा +2, मालूम है ना, बॉन्ड है, -2 होगा तो यहां पर क्या होगा +2, यहां पर -2 होगा तो यहां क्या होगा +2, और यहां -1 है तो यहां क्या होगा +1, कुल मिला के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट है, ये आयनिक नहीं है। एग्जांपल लिख लेना, MnO4- जो कंपाउंड बनाएगा वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुछ कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होता है, कैसे, लिखो, डीऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डीऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डीऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन सम कंपाउंड इज जीरो। जैसे NiCO4, तुम कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय ये बात किए भी हो, CO का 0 होता है, इस केस में निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। यानी कई बार डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह बनता है उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और भी अगर हम बात करें FeCO5, FeCO5 इस केस में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विल बी 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विल बी 0, ठीक है। CO का चार्ज 0 लेते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होता है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयनिक बनाएगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा। जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का जब जब हम बात करते हैं तब तक हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बात करते हैं। तो हमने अभी अभी देखा कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके बेसिस पे हमें अगर डिसाइड करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बेसिस पे हम ये बातें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, चलो एक एक बताते हैं, अगर हम बात करें पहला आने बताते हैं KMnO4। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि KMnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, Mn का, अब अभी अभी हमने देखा कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो ये +7 से कहाँ जाना चाहेगा, Mn +2 में जाना चाहेगा। तुम्हें याद होगा KMnO4 का, तुम्हें अगर मैं फिजिकल पढ़ाया था तो बताया ही था DNA 1-3-5, ये N-type का है, यानी +7 से ये Mn +6 में भी जाता है, +4 में भी जाता है, +4 में भी जाएगा और Mn +2 में भी जाएगा। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये बेसिक मीडियम है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, न्यूट्रल मीडियम है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, ये एसिडिक मीडियम है। तुम्हें याद होगा N फैक्टर में याद करवाया था, DNA N फैक्टर, तो ये अपना मीडियम देख के अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। एक बात तो तय है कि Mn अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कभी Mn +8 तो हो नहीं सकता है,
ये रास्ता कभी तय नहीं करेगा, तो जब भी हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस 7 से प्लस 6 हो रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी कम हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना क्या बताता है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब दिस वन विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी KMnO4 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, प्लस 7 से कहां जाएगा वो ये बात तय करेगा कि वो एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है कि न्यूट्रल मीडियम है, तो इस बात को डिसाइड खुद करेगा, लेकिन KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमिन मैग्नीज का कंपाउंड है, अगर हम नेक्स्ट बात करें K2Ci2O7, अगर यहां पर हम क्रोमियम का देखें, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, 14, 16, 6। अब यहां पर अगर क्रोमियम प्लस 6 में है, तो अब तुम अभी अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया कि क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये अब जाएगा तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाता है, प्लस 3 की तरफ जाता है। हम अक्सर ये बोला करते हैं कि प्लस 3 और प्लस 6 ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो प्लस 6 से तो प्लस 7 का रास्ता इतना ही नहीं करेगा, क्योंकि इधर तो होता ही नहीं इसका, तो जब भी होगा तो रिड्यूस होगा, ठीक है, और ये बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस होता नहीं है, ये केवल एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होता है, तो प्लस 7 से प्लस 6 जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इसका डिक्रीज हुआ है, दिस वन इज ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। K2Ci2O7 is also act as a oxidizing agent, यानी खुद रिड्यूस होना चाहेगा, इसमें जाएगा प्लस 3, इस मीडियम में एसिडिक मीडियम, ये दो बातें पहले लिखो। KMnO4 और K2Ci2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट रहा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस, हेडिंग डालो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो मैं याद होगा मैं केमिकल बॉन्डिंग में रेडियस इस बात पर डिस्कस किया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। तो मैं याद होगा जब नोटबुक निकाल के रिवाइज करोगे उसमें तो देखो उसमें मिलेगा, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक रेडियस डिक्रीज होता है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज होता भी है, स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज। आफ्टर दैट एफिशियो एनाइल, इनका रेडियस इक्वल होने लगता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर रेडियस इंक्रीज होने लगता है। तो फर्स्ट स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज, आफ्टर दैट एफिशियो एनाइल रेडियस विल बी अप्रॉक्स इक्वल, एंड आफ्टर दैट कॉपर एंड जिंक रेडियस विल बी डिक्रीज।
तुम डेटा लिखना चाहते हो तो डेटा भी लिख सकते हो। देखो मैं आप पिकोमीटर में लिखवा दे रहा हूँ, 144 पिकोमीटर होता है, 132 पिकोमीटर होता है, सब पिकोमीटर में है, 122 पिकोमीटर होता है, 118 पिकोमीटर होता है, 117 पिकोमीटर होता है, ठीक है, 115 पिकोमीटर होता है, 115 पिकोमीटर होता है, 115 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पर 117 पिकोमीटर हो गया, और यहाँ पर 125 पिकोमीटर होता है। तो तुमसे इसमें ये नहीं पूछेगा कि इससे ये ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ देखो तो रेडियस विल बी डिक्रीज, आफ्टर दैट रेडियस विल बी अप्रोक्सिमेट एंड देन इट विल बी इंक्रीज। तो फर्स्ट रेडियस विल बी डिक्रीज, देन रेडियस विल बी इक्वल, आफ्टर दैट रेडियस विल बी इंक्रीज। तो मुझे कोई बताओ इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? रीजन मैं तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिया था, बताओ मुझे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, बताओ रीजन। तो कल की क्लास में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसका रेडियस और उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम कलर और डिस्कस करेंगे। हाँ, पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ 3D, ठीक है, पुअर शेडिंग ऑफ 3D, ठीक है। तो कल सही है रीजन, डिम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने लगूंगा टाइम नहीं लगेगा, डिम इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। डिम इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता चला जाएगा, डी 1 से लेकर 10 तक इंक्रीज होता चला जाएगा, उसके वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस। ओके, थैंक्स टू ऑल।